ये बड़े बदकिस्मती की बात है, जो भी कोई जान चली जाती है वो तो एक जान होती है, तो वो एक कश्मीरी होता है, और इस चीज़ का हमें बहुत ही दुख है। चाहे वो किसी पार्टी से हो, हमारे भी 5-7-5 मारे गए, वो भी शहीद हो गए, बीजेपी के भी हो गए, पीडीपी के भी हो गए, या अब एनसी के हो गए, इवन इंडिपेंडेंट्स दे फील, वो इस वक्त भी अपने आप को अनसेफ फील कर रहे हैं। लेकिन एक बात है मैं आपको बताऊं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ को समझने के बाद भी उसका अजाला नहीं करेंगे और सिर्फ रट लगा देंगे, रट लगाने से कुछ होता नहीं है, कुछ उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। हम राइट फ्रॉम बिगिनिंग हम पहले से ही आए हैं, कहते आए हैं कि यहाँ के जो हालात हैं, यहाँ की जो सिचुएशन है, जिन लोगों के लिए आपने 370 को ख़त्म किया, एब्रोगेट किया, क्या वो लोग खुश हैं? उससे क्या होता है? उससे जब आपके लोग नाखुश होते हैं, जो आपकी जो दिन ब दिन एलिनेशन बढ़ती है, वो इस चीज़ को ज़्यादा मजबूत करती है जो आजकल होता है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कहते हैं कि ये हालात ठीक हैं, जी हालात ठीक हैं, अब खुद आप देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, 9 लाख फौज हमें यहाँ है कश्मीर में, आप जिस गली से गुजर जाओगे, जिस रोड से जाओगे, जगह जगह पे आपको चेक पोस्ट बने हैं। तभी हम इस पर हमें बड़ा अफसोस भी करते हैं, हमारे भी इसमें शहीद होते हैं, हमारे भी मारे जाते हैं, हमारे वर्कर्स भी इसमें शहीद होते हैं, लेकिन वो बात नहीं है। वो जस्टिफाई वन किलिंग कैन नॉट जस्टिफाई द अदर किलिंग्स, वी आर नॉट ऑफ दैट, वी डोंट बिलोंग टू दैट पार्टी। तो एक 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 इंसानियत है, तो इंसानियत के नाते पे हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पहले माहौल जब ठीक करते, जब माहौल ख़राब होता है, जब आपका जो अराउंड जो माहौल होता है वो जब आपके फेवरेबल नहीं होता है, तो उसमें ऐसी वारदातें हो ही जाती हैं, इजीली हो जाती हैं। तो इस बात का खमियाजा तो उठा रहा है कश्मीरी, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे किसी और पार्टी का हो, ये तो यही उठा रहा है। आपने यहाँ पॉलिटिकल लीडर्स को बंद किया, किस बात पे किया, क्या गुनाह किया उन्होंने, क्या बात की, या ये गुनाह किया उन्होंने, अपना हिंदुस्तान, अपने कंट्री का फ्लैग उठा के हर एक कोने में गए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे पीडीपी हो, एनसी हो, कांग्रेस हो, कोई भी बीजेपी हो, तो आप लोग करते क्या है, उनके साथ क्या सलूक किया, उसे क्या आपका माहौल बनता है कि बिगड़ता है? उसे बिगड़ता है, बनता नहीं है। आप लोगों के जो जज्बात हैं उनकी तर्जमानी करनी चाहिए, वो तर्जमानी हुकूमत करेगी, जो एट द हेलम है। आप लाते हैं बाहर से ब्यूरोक्रेट को, ब्यूरोक्रेट चलाते हैं, इनका तो इस वक्त उन पर हाथ ही नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन, उनको क्या है, बाहर से आए हैं, कोई बिहार से आया, कोई तमिलनाडु से आया, कोई यूपी से आया, कोई गुजरात से आया, तो उन ये ब्यूरोक्रेसी आपने रखी है। एक जब एक पॉलिटिकल विल होता है, पॉलिटिकल पार्टीज का एक प्लान होता है, एक गोल होता है, वो इम्प्लीमेंट करते हैं, वो लोगों के साथ ये कर लेते हैं, रابطہ रखते हैं, इंट्रैक्शन होता है, तो इन लोगों ने बाहर से लाके यहाँ लोगों को रखा है ब्यूरोक्रेट, और आप देख रहे हैं दिन ब दिन यहाँ हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। ये कुर्बानियाँ रंग लाएगी, और जो कंवल यहाँ खिल रहा है ये और शुद्दत के साथ यहाँ खिल गया, क्योंकि आज यहाँ जहाँ तक देखा गया, आज हर घर में यहाँ कंवल खिला हुआ, इस कंवल का जो बाहर आ जाएगा वो बहुत जल्द होगा, और यही फ्रस्ट्रेशन मिलिटेंट उसको, इसी फ्रस्ट्रेशन ने मिलिटेंट उसको पागल जैसा कर दिया, और वो नैतिक लोगों को अब टारगेट बना रहे हैं। विश्वास की बात मैंने कही कि आज भारतीय जनता पार्टी के पास 7.5 लाख से ज़्यादा बेसिक मेंबर्स, यही विश्वास की बात है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ अपना विश्वास कायम करने में कामयाब, और जी पार्टियाँ होती है, और भी चीज़ें होती है, और भी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, उनका काम है इल्ज़ाम लगाना, लेकिन जो इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम हमेशा तामीर के लिए लगाना चाहिए।